हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? अच्छे से होंगे? तो आज हम पपीता की एक नई रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखिए, पपीता को अच्छी तरह से धो के काट के निकाल लिए हैं। अब पपीता में जो बीच में वाइट वाइट रहता है ना, बीच के जगह पर, उसको भी चम्मच की सहायता या चाकू की सहायता से निकाल लेना है, नहीं तो फिर ये तिक्कीस या तीता टाइप का लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, अच्छी तरह से धो लिए हैं और एक पतला में डाल के इसको थोड़ा देर तक उबालेंगे। हल्का सा नमक डाल के इसको उबाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए, गैस पर चढ़ा दिए हैं। अब इसे 2 से 3 बार उबाल आने तक पकाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से उबाल आने तक पका लिए हैं। अब इसको छान के निकाल लेना। पूरा पकाना नहीं है, बस इसका जो तीखा अजीब सा जो टेस्ट होता है ना, वो निकाल लेना है। तो यहाँ पर निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, कढ़ाई लिए हैं, उसमें हल्का सा तेल डालना है, ज़्यादा तेल नहीं डालना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तेल डाल दिए हैं। अब इसे मेथी और लाल मिर्च डालेंगे। देखिए, यहाँ मेथी डाल दिए हैं और लाल मिर्च डालेंगे। इसमें जीरा नहीं डालिएगा, नहीं तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना कि मेथी से अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मेथी चटकने लगा है, इसमें लाल मिर्च डाल दिए हैं। अभी थोड़ा सा पकेगा, उसके बाद जो हम पपीता छील के धो के काटे हैं, उसको इसमें डाल देंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मेरे चैनल पर नए नए रेसिपी आते रहते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर देखिए। और वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पपीता को डाल दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से मध्यम आँच पर इसे पकाएँगे। इसमें ज़्यादा मसाला या तेल नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बना रहे पपीता के और भी हम आइटम लेकर आएंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अधपका हो गया है। अब इसमें डाल देंगे नमक। पहले नहीं नमक डालना है, अधपका हो जाए तब डालिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, नमक डाल दिए, हल्दी पाउडर, गोलकी पाउडर और लाल मिर्च। बस इतना ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। बस इतना मसाला डाल के इसको अच्छी तरह से भूंज लेना है। और देखिए, इस तरह से पपीता का भुंजिया तैयार हो जाएगा। आप इसे सुबह का नाश्ता है या रात के दाल भात के साथ खाइए, या आप कहीं जा रहे तो टिफ़िन में लेकर जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। आलू से ज़्यादा टेस्टी इस पपीते का भुंजिया अच्छा लगता है। तो एक बार ज़रूर देखिए बना के, और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। पपीता खाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।